मैं आज बना रही हूँ पुलाव और चिकन स्टिक। जो चिकन स्टिक मैं बना रही हूँ ना, वो नहीं, चिकन चीज स्टिक जो मैं बना रही हूँ यूट्यूब पे कहीं भी नहीं है, सर्च मार के देख लेना। तो मैं मेरे स्टाइल में बता रही हूँ, तो आ जाओ देखते हैं। एकदम ज़्यादा कुछ भी नहीं डालूंगी, बस थोड़ा मोड़ा जो तीन चार चीज़ें ही डालूंगी। तो देखो ये डाल रही हूँ मैं हरी मिर्ची, ये डाल रही मैं दो नींबू, छोटे छोटे नींबू हैं, अगर इसमें बराबर रस नहीं निकलेगा तो फिर मैं तीन नींबू डालूंगी। हाँ अभी इसमें मैंने डाली हूँ हरी मिर्ची और नींबू, मैंने इसमें दो नींबू कम पड़ रहा था तो मैंने एक और नींबू डाली हूँ। इसमें डाल रही हूँ अभी अंडा, दो अंडा डाल रही हूँ क्योंकि आधा किलो चिकन ली हूँ मैंने। डेढ़ चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और थोड़ा सा सॉस, यही चीज डालूंगी और इसको भी मैं पीसूंगी फिर आगे का। हाँ और ये ब्रेड को मैंने पीस ली हूँ, ब्रेड क्रम्ब बनाई हूँ, और आधा किलो ही चिकन ली हूँ मैंने, इसलिए इतना दो अंडा वो जो सब बताई मैंने चिकन दो। ऐसे बना ली इसको ब्रेड क्रम्स लगा के, पूरे अच्छे से इसमें रोल कर ली हूँ थोड़ा बहुत, और ये फ्राई करने के टाइम थोड़ी बहुत तो चीज़ बाहर निकलती है, पर मैंने अच्छे से तो दबाई हूँ, देखते हैं ना, ये मेरी रेसिपी है ठीक है। चलो
थोड़ा बहुत तो निकल ही जाती है चीज, कितना भी अपन कितने भी अच्छे से लगाएंगे तो। लेकिन ट्राई जरूर करना, बहुत टेस्टी बनता है। इसको एकदम आराम आराम से ही पलटी करने का, नहीं तो ये फूट जाएगी, इसके अंदर चीज है। ये बनाते हैं तो इसके साथ में ज्यादा कुछ बनाते नहीं है, क्योंकि ये बहुत हैवी हो जाता है हम लोग को। तुम लोग ने देखे, मैंने सिर्फ आधा किलो ही बनाई है, हम लोग चीज से चार दिन खा लेंगे, तो बहुत टेस्टी और बहुत हैवी हो जाता है, तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं, उसके साथ में फिर भी पुलाव बनाई हूँ, जैसा कभी किसी को लगे तो खा लेगा कोई, या फिर तो ही रात में, दोनों काम हो गया मेरा, रात के लिए भी बन गया। तो ये फ्राई हो चुका है, पर इसमें से चीज तो नहीं निकली, मैंने अच्छे से, मैंने बोली थी कभी निकल भी सकती है पर नहीं निकली, चलो अच्छी बात है। देखो चिकन स्टिक भी बताई है मैंने, मेरी बन चुकी है, ये मेरा पुलाव भी रेडी हो गया है, जो कि इसकी रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ, और मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा था तो मैंने ना भजिए बना ली, कंदे के भजिए बनाई हूँ, थोड़े से फ्राई हो रहे हैं, और अगर थोड़ा टाइम मिला तो और कुछ बनाऊंगी, ऐसा मेरे टाइम के ऊपर है, मुझे जैसा जैसा टाइम मिलेगा मैं वैसे बनाऊंगी। बताई थी खाना वाना भी बना के मैं रख दी, तो अब मैं जा रही हूँ मार्केट, तो मार्केट जाने के पहले मैं सोची कि चलो एक बात, मैं भी मैसेज पढ़ रही थी, जो कि कल जो लाइव की वीडियो मैंने डाली थी उसके नीचे कमेंट आ रहे थे मुझे कि क्या बोल के, कि मरियम आपा आपको ही बोल रहे हैं, मरियम आपा आपको ही बोल रहे हैं, उन डायरेक्ट नाम नहीं ले रहे हैं तो आपको ही बोल रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग का काम है घर तोड़ना, है ना, जिसने भी ये कमेंट किया है मैं उसको खास बोल, देखो मेरे को कमेंट करेंगे तो मेरे को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, और ना मैं तुम लोग की एकदम मैसेज का एकदम दिल पे ले ले, वो देखो उसके दिए इसमें तो कितने गंदे गंदे कमेंट है, वो बेचारी मैं तो सुनी वो डिलीट करते बैठती है, मैं तो डिलीट भी नहीं करती, छोड़ देती, हाँ मेरे को ज्यादा कुछ ज्यादा बुरा लगता है तो फिर मैं डिलीट करती हूँ, तो ऐसे तो इग्नोर करती हूँ मैं, ठीक है। और दूसरी बात, मैं ब्लॉग भी करती हूँ, सोच समझ के करना, ब्लॉग भी कर देती हूँ मैं सोचती हूँ ना कि ये बहुत ज्यादा घटिया है तो बहुत ज्यादा गिरी हुई है, मतलब वही 50 रुपए वाली जो मैं बोलती हूँ ना, इन लोग की औकात जो 50 रुपए वाली, तो उन लोग को ही मैं बोल रही हूँ कि मैं तुम लोग को डायरेक्ट ब्लॉग भी करती हूँ, फिर मेरी वीडियोज भी नहीं दिखेगी तुम लोग को, है ना, तो इसके लिए ज्यादा गलत कमेंट ना करे। और मरियम आपा हम लोग को नहीं बोल रहे थे, अगर मरियम आपा को बोलना होता तो वो डायरेक्ट अपनी खुद की वीडियो बना के बोलते, हो मेरे साथ ज्वाइन भी नहीं होते, उन्होंने पहले इमरान को कॉल किए थे फिर बाद में ज्वाइन हुए, और वो किसको बोले वो समझ गया, जिसको उन्होंने बोले ना वो समझ गया, मेरी तो ट्यूबलाइट बाद में चली, मैं तो थोड़ी टाइम के लिए समझी भी नहीं थी, बाद में जब आपा ने एक और बात बोले उसके बाद में मैं समझी। तो देखो सबका अपना अपना मैटर होता है, जैसा मेरा मैटर था तो उनका एक कुछ मैटर है, तो सबका अपना अपना होता है भाई, तो तुम लोग ज्यादा अपना दिमाग मत चलाओ, झगड़ा लगाने की कोशिश मत करो, बहुत जन मरे, रुबीना आपा जो अपनी है, रुबीना आपा को भी कॉल कर रही थी, क्रीम वाली रुबीना आपा जो अपनी है, जो कि मरियम आपा की ही क्रीम सेल करती है, उनको भी लोग बोल रहे थे आपको बोल रहे आपको बोल रहे, तो वही उनको भी वही चल रहा था कि रुबीना आपा आपके लिए ही बनाए, तो रुबीना आपा उनको मान ही बनाए, रुबीना आपा है ना उनको मरियम आपा बोलते हैं, ठीक है। तो ज्यादा अपना दिमाग मत चलाओ, मेरे को खास तुम लोग के लिए आना पड़ता है और बोलना पड़ता है, और कितना पसंद करते यार तुम लोग मुझे, सच में मेरी पूरी वीडियो देखते हैं उसके बाद बोलते अरे कौन है यार ये लोग कौन है, तो आप लोग देखते हो तो हम लोग को तुम लोग ने ऊपर तक ले कर आए तो बहुत अच्छी बात है, और मैं थैंक यू बोलूँ की दिल से शुक्रिया तुम लोग के लिए, मेरी मरियम आप ऐसा करती है ना, तो तुम लोग को मैंने अपनी तरफ से प्यार दी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़, चलो मैं निकली हूँ मार्केट के लिए अब।